चालू हो चुके हैं एकदम पीक पे। इस साइड के ऊपर एक पहाड़ है, बट ये इस वाले पहाड़ का ये पीक है। हमारा कैंप अभी आगे जाके थोड़ा आगे हिल टॉप बोल के, तो उधर ही पहुंच रहे अभी। लेट्स सी। हाँ बोल। हम लोग डे लाइट तक पहुंच चुके हैं, सनसेट हो ही रहा है। गाइस जो अगर आप जब भी आओगे तो प्लीज ट्राई करना कि सनसेट के पहले आना। मैं रास्ता भटक चुका था और अब मैंने पूछते पूछते सभी लोगों से मेरे कैंप का रास्ता ढूंढ लिया है। अब मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ। लेट्स सी कि कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। होप कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँ। मेरे पैरों में बर्फ़ चली गई है, मेरा एक पैर पूरा बर्फ़ में चला गया था। मैंने कैसे तो बाहर निकला है, पर मेरे शूज़ में पूरा स्नो भरा है पूरा, और मेरा पैर पूरा फ्रीज हो रहा है। तो लेट्स सी कि मैं ऊपर जाके क्या करता हूँ, हाउ टू पैरों को गर्म करना पड़ेगा लग रहा है। चले देखते हैं। गाइस फाइनली मैं 5 घंटे की, मैंने 1 बजे चालू किया था, अब बजने आए 5:50 एग्जैक्ट 4:50 में मैं पहुँच चुका हूँ मेरे समिट जहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ, समझो कल दोपहर तक। फिर कल दोपहर को निकलेंगे हम यहाँ से। आगे के नज़ारे में दिखाता हूँ आपको, क्या ही खूबसूरती है। डिफरेंस देखो, ये है पूरा स्नोई माउंटेन और ये है पूरा रॉक माउंटेन भाई, एक ही जगह पे बाजू बाजू में, तो भी इतना फर्क भाई। आप कब पहुंचे? अरे भाई जैसे कि आप देख सकते हो अभी बॉन फायर पे, इसका मतलब हम बस पहुंच चुके हैं। हम 1/2 घंटे पहले पहुंचे तो हमने थोड़ा नाश्ता कर लिया है और अभी ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी पूरा ग्रुप यहाँ पे जमा हो चुका है, उगे उगे बॉन फायर चल रहा है। सनसेट हमने थोड़ा ही देखने, सनसेट हमें थोड़ा ही देखना मिला, लेकिन ये मोमेंट बहुत अच्छा। हेलो गाइस, अभी हम टॉप पे हैं और अभी हम निकलने की तैयारी करने वाले हैं। कल रात को इधर ही स्टे किया था, ठंडी तो बहुत थी, टेंट में क्या कंबल था, टेंट पे और कुछ नहीं है, तो ठंड बहुत थी। फिर भी कैसे तो हो गया, अभी बहुत अच्छा टेम्परेचर था। कल स्टारी नाइट्स बहुत अच्छा था, हम शूट करना भूल गए क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर खत्म हो गए थे। यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद कोई रेंज नहीं है, किसी को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर आने का एक ही रास्ता है। जो जो लेट आए उनको सनसेट तो मिस हो गया, हमें थोड़ा सा सनसेट मिला, थोड़ा सा मिल गया। फटफट जैसा बोल रहे थे ना, हम टाइम टू टाइम पहुंच गए थे। रात को आपने ऑन फायर था, वो शूट नहीं कर पाए। बॉन फायर शूट किया बॉन फायर का ब्लॉग है, वो क्लिप रहेगा इसके पहले वाले पार्ट में दिख जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू सुबह का, अभी मॉर्निंग व्यू। डिक्लाइन चालू करने वाले हैं, एक तो सोच रहे बर्फ में, एक तो रील्स बनाएंगे, थोड़ा बहुत फोटो वोटो निकालेंगे, फिर नीचे जाएंगे। अगर कुछ मिला तो देखते हैं, रील बनाने का प्लान है, रील्स वगैरह बनाने का प्लान है। तो कुछ अगर शूट कर रहे हैं तो डाल देंगे क्लिप में, या तो ऐसा भी हो सकता है ये एंड है, देखते लेट्स सी। बहुत अच्छा जरूर, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लिप और इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सी सी कर रहे हैं और ये लोग इधर फोटो खिंचवाने रुके हैं। डोंट थिंक यू गाइस कैन सी क्योंकि धूप इस तरफ आ रहा है, बट उधर वेद है, फोटो खिंचा रहा है। पाटिल इज द वन क्लिकिंग द पिक्स, आयुष एंड लोकेश हियर, और लुक एट द व्यू, फुल बर्फ।
हमारे पूरी टीम में आई एम द फर्स्ट टू रिटर्न बैक, बाकी लोग ऊपर अटके, इतनी खुशी कभी नहीं हो रही, ये दोनों के साथ आयो। हाँ कैसे तो उतर गया पता नहीं, अभी बस ये सबमिट करके आई विल मीट यू गाइस, बाय बाय, दिस वाज द व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट। हाँ मैंने सबमिट कर दिया मेरे स्टिक वगैरह जो भी मैंने रेंट पे लिए थे, अभी ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं है और वेट भी उतर गया है। ये गाइस मेरे थोड़े ही पीछे था, पीछे से बुला रहा था, तो हम दोनों उतर गए, बाकी लोग अभी भी अभी खाने के लिए, खाने के लिए रुका था इसलिए तो फिर लेट हो गया। अभी कुछ लोग अभी भी उतर रहे, मतलब रिटर्न आ रहे हैं, इसके बाद अपन जाएंगे भर भर के छोटे मनाली, मनाली जाएंगे, सो बाकी के व्लॉग्स होंगे मनाली में, और हम सोलांग जाएंगे ब्रो, खीरगंगा कॉन्कर्ड, खीरगंगा कॉन्कर्ड समिट को पहुंचा के 24 किलोमीटर टोटल 24 राउंड ट्रिप, और ठंडी इतनी रात को माइनस कितना, -14 से -16 के बीच में विंड स्पीड के साथ इतनी हिट कर रही थी भाई, कंबल से भी कुछ हो नहीं रहा था, पैर पूरे फ्रीज हो चुके थे, फिर भी फाइनली फिनिश्ड। ये देखो ये लोग आ चुके हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं नीचे, सो सी यू गाइस, आज का व्लॉग इधर एंड है ना। ये देखो और भी लोग रिटर्न आ रहे हैं, कैसा लगा ट्रिप? एक नंबर, जान निकल गई ना, जान चढ़ना डिफिकल्टी की उतरना, उतरना मेरे को तो उतरना लगा, उतरना बहुत डेंजर था, बहुत स्टीप था। एक तो परसों स्नोफॉल हुआ था, तो कल फिर भी स्नो था, आज पूरा आइस हो गया था, तो आइस में इतने फिसल रहे थे, और इतनी सुबह इतनी धूप थी कि वो आइस पूरा स्नो पूरा पिघलने आ गया था और पैर फिसल रहे थे लिटरली। हम लोग एक एक लेयर ऑफ टी शर्ट्स लेके नीचे उतर रहे थे, अभी तो चलो थोड़ा सन डाउन हो गया है, तो एनीवेज बाय गाइस, गुड जॉब गाइस, चलो। हेलो, -4 degrees है अभी, अभी हम लोग जस्ट मनाली पहुँचे, जस्ट नहीं हो गया, अच्छा था टाइम, 1.5 घंटा हो गया, अभी डिनर विनर किया करके आज सोच रहा हूँ इधर ही डे एंड करे, कल मनाली है फुल डे, तो कल मोस्टली लास्ट व्लॉग नहीं बोलूँगा इस ट्रिप का, और एक व्लॉग आएगा बट वो उतना कुछ नहीं, वो बस हमारे रिटर्न बैक टू मुंबई का आएगा, बट कल और एक एक्स्ट्रा व्लॉग आएगा, बट आज के लिए दिस इज़ इट, खीरगंगा का पार्ट टू का एंड इज दिस, थैंक यू गाइस, अगर आप देख रहे हो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय। आइए मित्रा,